भोजपुरी हीरोइन आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आ चुके हैं बनारस के 80 घाट पर। बता दें कि यहाँ पर भोजपुरी का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होली का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तमाम कलाकार आए हुए हैं और यहाँ पर आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि फैंस का एकदम तांता लगा हुआ है फोटोज लेने के लिए, बाउंसर और काफ़ी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच में अभी ये हैं और इनका प्रोग्राम होने वाला है वो बिफोर यू भोजपुरी जो कि टीवी का चैनल है उसका प्रोग्राम हो रहा है जो कि होली से पहले ये प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर और उसी का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आम्रपाली दुबे निरहुआ जी पहुंचे हुए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में और इनका स्टेज पर प्रोग्राम होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम होने वाला है। देख सकते हैं कि होली के ही लुक में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रेस भी लग रहा है और एकदम इनके फैंस जो हैं वो एकदम आ चुके हैं। देख सकते हैं कि बनारस के 80 घाट पर किस प्रकार से इनके फैंस का भीड़ है, लोग इकट्ठा हो गए हैं सिर्फ फोटोज और वीडियोज बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए और एकदम कड़ी सुरक्षा के बीच में दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनका स्टेज पर प्रोग्राम होगा। और ये देखिए रितेश पांडे और भोजपुरी हीरोइन अंजना जी एक साथ मिल चुके हैं, बहुत ही अच्छा मुलाकात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं और इनका भी प्रोग्राम होने वाला है। बता दें कि भोजपुरी के ही कई दिग्गज कलाकार यहां पर आ चुके हैं, जैसा कि आ भी रहे हैं, हम आपको फुटेज लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि सभी का यहां पर स्टेज पर प्रोग्राम होने वाला है जो कि होली का प्रोग्राम है बनारस के 80 घाट पर। देख सकते हैं रितेश पांडे जी का किस प्रकार से लुक है, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और अभी एक इंजरी से भी लौटे हुए हैं वो, तो अभी आगे जा रहे हैं कहीं पर। देख सकते हो यहाँ पे मनोज तिवारी जी भी पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में उनके साथ में पुलिस भी है और देख सकते हैं कि बाउंसर के बीच में लोग फोटोज वगैरह भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और मनोज तिवारी का भी कार्यक्रम होने वाला है वो भी यहाँ पर जो भी स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उस साथ ही साथ डिम्पल सिंह भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर आ चुकी हैं, इनका भी परफॉर्मेंस होने वाला है। और बता दें कि भोजपुरी के तमाम कलाकार आ रहे हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और डिम्पल सिंह ने ड्रेस चेंज कर लिया है और अब यहाँ से जा रही हैं सीधे वो स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने। देख सकते हैं कि एकदम फैंस ने कह सकते हैं कि फैंस यहाँ पर सेल्फीज वगैरह लेने के लिए सबसे आगे आ जा रहे हैं जिस वजह से बाउंसरों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर डिम्पल सिंह निकल दी हैं और उनका परफॉर्मेंस होने वाला है और लोग जो भी 80 घाट पर हैं फैंस काफ़ी ज़्यादा आनंदित हैं, एकदम इंजॉय कर रहे हैं जो भी स्टेज पर प्रोग्राम कर रहे हैं कलाकार, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जब ये शो टीवी पर आएगा तो जो भी टीवी के दर्शक हैं इस शो के उनको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा मिलने वाला है क्योंकि वो भोजपुरी के एक से एक दिग्गज कलाकार का यहाँ पर शो देखेंगे। काफ़ी अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस लोगों ने दिया हुआ है, देख सकते हैं कि अभी अब डिम्पल सिंह का बारी है, अब वो जा रही हैं स्टेज पर भैया अपना परफॉर्मेंस देने और उनके साथ देख सकते हैं किस प्रकार से बाउंसरों के घेरे में सुरक्षा के बीच में वो निकल रही हैं क्योंकि भैया फैंस यहाँ पर सेल्फीज वगैरह लेने के लिए एकदम कह सकते हैं कि परेशान कर दिए हैं। और ये देख सकते हैं 80 घाट का नज़ारा है और धीरे धीरे 80 घाट पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब ये देखिए डिम्पल सिंह यहाँ से निकल दी हैं, अब देखना होगा कि किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहता है और लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार मिल रहा है 80 घाट पर, जिसे देख करके ये भी बहुत ज़्यादा कलाकार खुश हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है बनारस के 80 घाट पर, यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी भी बिफोर यू भोजपुरी की तरफ से एक बहुत ही शानदार होली का कार्यक्रम यहाँ पर कराया जा रहा है जो कि भोजपुरी के तमाम दिग्गज कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मनोज तिवारी आ गए हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी आ गए हैं, डिम्पल सिंह आ गई है, भोजपुरी के तमाम कलाकार यहाँ पर आ गए हैं आप देख सकते हैं। और भोजपुरी का यहाँ पर सभी लोग अपना अपना परफॉर्मेंस देंगे, सभी लोग अपने अपने गानों पर अपना परफॉर्मेंस देंगे जो कि यहाँ पर 80 घाट धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। लोग धीरे धीरे आ गए हैं, यहाँ पर सीढ़ियां कुर्सियां लगभग भर चुकी हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव भी यहाँ पहुंचे हैं बनारस के 80 घाट पर, देख सकते हैं कि बाउंसरों के बीच में वो किस प्रकार से जा आ रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस होने वाला है देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह से देख सकते हैं किस प्रकार से बिंगो टेढ़े मेढ़े का प्रचार कराया जा रहा है, यहाँ पर बिंगो टेढ़े मेढ़े वाले भी सभी लोग आ गए हैं और किस प्रकार से देख सकते हैं कि अंजना सिंह बिंगो टेढ़े मेढ़े का खुल करके एकदम प्रचार कर रही हैं और जो आसपास लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं वो सभी उनके फैंस हैं जो कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पर प्रचार कर रही हैं। बिंगो टेढ़े मेढ़े भी अभी उन्होंने खाया है और उनको जैसा भी लगा वो बता रही हैं उस प्रचार में अपने, और काफ़ी ज़्यादा अभी इनका परफॉर्मेंस हो चुका है और भी आगे इनका परफॉर्मेंस होने वाला है तो भी फ्री टाइम में भैया टेढ़े मेढ़े का प्रचार कर रही हैं। बाकी आपको बिंगो टेढ़े मेढ़े कैसा लगता है खा के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अंजना सिंह को तो बहुत ही अच्छा लगा।
भोजपुरी एक्ट्रेस सपना चौहान भी आ चुकी हैं बनारस के भैया अस्सी घाट पर, जिन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ नीबू खरबूजा भाई टू जैसे हिट गाने दिए हैं, नवजाने तमाम कैसे हिट गाने दिए हैं, और उनका भी परफॉर्मेंस होने वाला है अरविंद अकेला कल्लू के साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो स्टेज पर जा रही हैं, तब उनका परफॉर्मेंस होने वाला है, और बाउंसर वगैरह के बीच में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान दिया गया है, और अब वो स्टेज पर जा रही हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। और पीछे अरविंद अकेला कल्लू भी नज़र आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं और उनके साथ उनका परफॉर्मेंस होने वाला है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और ये देखिए अरविंद अकेला कल्लू भैया भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, और वो अपने बड़े भाई आंसू बाबा के बेटे को खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं और बाउंसर के घेरे में, और आंसू बाबा भी यहाँ पर उपस्थित हैं ये देख सकते हैं, और उनके लड़के को खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, और देख सकते हैं किस प्रकार से सभी कैमरा में इस मोमेंट्स को अपने कैप्चर करने के लिए आ गया है। और देख सकते हैं कि संजय वर्मा भोजपुरी के कॉमेडियन वो भी यहाँ पर होली में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं, लोगों को कह सकते हैं कि यहाँ पर मनोरंजन कराने के लिए आ गए हैं, और किस प्रकार से वो अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने फैंस को फोटोज देते। 25 तारीख तक भोजपुरी बिफोरी भोजपुरी के टीवी चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अस्सी घाट का जो माहौल है वो एकदम बदल गया है, पूरा यहाँ पर भोजपुरीमय हो गया है अस्सी घाट, और महादेव का आशीर्वाद आज पूरे भोजपुरी समाज पर पड़ रहा है। बाकी आपको अपडेट जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो भैया सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, थैंक यू।